हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईटीपी जोन। माय सेल्फ ऋषिराज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो आज इंडक्टिव इफेक्ट का थर्ड लेक्चर है। हमने प्रीवियस लेक्चर में दो लेक्चर बता चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट होते क्या है, कितने टाइप्स का होता है, और आज हम लोग इंडक्टिव का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो पावर होते हैं, जैसे दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करता है, माइनस आई कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं, और इसका ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि दो ग्रुप है, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें से एक ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता हो। तो इसका हम लोग आज ऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेटेस्ट इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पे देखते हैं, प्लस आई का ऑर्डर चेक करते हैं कि अगर ग्रुप एक से ज्यादा ग्रुप है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कम करे। तो इसका एक ऑर्डर होता है, और इस ऑर्डर को याद करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्वेश्चन पे अप्लाइड करने के लिए। अगर मुझे क्वेश्चन करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जीओसी के अंदर, तो इस ऑर्डर को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं प्लस आई का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट लगते हैं वो होता है सबसे ज्यादा सी एच टू माइनस का प्लस आई सबसे ज्यादा होता है। देन उसके बाद होता है एनएच माइनस का, देन उसके बाद होता है ओ माइनस का, उसके बाद होता है सी डबल बॉन्ड ओ माइनस का, इसके बाद होता है थर्ड डिग्री एल्काइल। जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, वो थर्ड डिग्री लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद होता है सेकंड डिग्री एल्काइल, उसके बाद लेते हैं सेकंड डिग्री एल्काइल, देन उसके बाद लेते हैं वन डिग्री एल्काइल। ठीक है, उसके बाद यहां से इससे छोटा चैन, यहाँ पे तीन कार्बन का चैन है, अब हम इससे छोटा ग्रुप ले लिए यहाँ पे दो का सी एच टू सी एच थ्री। देखो यहाँ पे तीन कार्बन का चैन था और यहाँ पे दो कार्बन का चैन है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डोनेट करेगा। इसके बाद इससे छोटा लेते हैं सी एच थ्री। ठीक है, उसके बाद होता है टी, उसके बाद होता है डी, देन एच। इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो ये जो होते हैं ना, ट्रिटियम ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, ये जो होता है ऐसे हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होते हैं। ये होता है आइसोटोप्स, ये होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। बट इसका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास। तो यहां पे मास के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा, ट्रिटियम ड्यूटेरियम एंड उसके बाद हाइड्रोजन। ये होते हैं हाइड्रोजन का आइसोटोप्स, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसका भी एटॉमिक नंबर वन होगा, इसका भी एटॉमिक नंबर वन होगा, और इसका भी एटॉमिक नंबर वन होते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक मास के बेस पे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि इसमें से पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा। अब देखो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, सिंपल तरीका है इसको याद करने का। देखो इसको सिंपल तरीका है याद करने का, मीन्स कहने का मतलब है कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। कैसे? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है CH2-, क्लियर है? अब यहाँ पे CH2-, यहाँ पे NH- है और यहाँ पे O- है। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है, रटना नहीं है, किसी भी ग्रुप को रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना है। देखो कैसे, यहाँ पे पहला ये जो फ्री वैलेंसी से जो अटैच एटम है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। सबको पता है कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, उसके बाद कार्बन होते हैं। तो अब समझना कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, इसपे देखो निगेटिव चार्ज है, इसपे भी निगेटिव चार्ज है, कार्बन पे भी है, नाइट्रोजन पे भी है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी है। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस होता है, कम होता है, तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर नहीं रख सकता, क्या करता है, पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे CH2- का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद एनएस माइनस का हो जाएगा, देन उसके बाद ओ माइनस। ये तो क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे सी ओ माइनस है। अब ओ माइनस का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। तो जब ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है तो यहाँ पे इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे जो इसका लोन पेयर है वो क्या होगा, डिलोकलाइज हो जाएगा। डिलोकलाइज होगा तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो रेजोनेंस में चला जाएगा। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, ये थर्ड डिग्री एल्काइल है, ये सेकंड डिग्री एल्काइल ग्रुप है और ये वन डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो थर्ड डिग्री होता है यहाँ पे तीन एल्काइल ग्रुप लगे हैं, एमी एमी और यहाँ से एमी। तो ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो जब मिडिल कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। उस तरह से यहाँ पे देखते हैं टू डिग्री है, सेकंड डिग्री है, यहाँ पे दो दो एमी है, एक एमी है और एक एमी है, तो इसका भी प्लस आई और इसका भी प्लस आई। तो जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसके रिस्पेक्ट में इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। अब यहाँ पे देखो ये वन डिग्री है, इसका तो सबसे कम हो गया। तो ये तीनों में जब हम कंपेयर करते हैं, इस तीनों में जब कंपेयर करते हैं, ये तो थर्ड डिग्री है, मतलब थर्ड डिग्री एल्काइल जो होते हैं पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, उसके बाद सेकंड डिग्री, उसके बाद वन डिग्री। अब आते हैं इधर, देखो यहाँ पे दो कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है। उसके बाद देखते क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डोनेट करते हैं। इसमें दो कार्बन है और इसमें एक कार्बन है, तो सबसे बड़ा एल्काइल कौन है दोनों के रिस्पेक्ट में, ए वाला, दोनों ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इसमें दो कार्बन है और इसमें एक कार्बन है। तो ए पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इसको इसके में जब कंपेयर करेंगे दोनों में, तो CH2 और CH3 का प्लस आई, CH3 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं ट्रिटियम ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन में। तो इसमें होते क्या है कि ट्रिटियम में देखो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है, क्या होते हैं हाइड्रोजन का आइसोटोप्स, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब इसमें एटॉमिक मास के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कौन ग्रुप पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ट्रिटियम होता है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डोनेट करते हैं, उसके बाद ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल तरीका था प्लस आई का ऑर्डर याद करने का, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।